जबराना हमला किया गया इमरान खान के ऊपर, और सारे पाकिस्तान ने देखा कि इंसानों का मंसूबा कुछ और होता है और अल्लाह का मंसूबा कुछ और होता वो है जो अल्लाह चाहता है। उसके बाद मैंने खान साहब को कहा कि पंजाब का एक इलाका जहां पर इस वक्त इमरान खान के चाहने वाले इतनी बड़ी तादाद में है कि पाकिस्तान की तारीख में इस इलाके ने किसी लीडर का इस तरीके से प्यार नहीं किया, तो यह नहीं हो सकता कि यह लॉन्ग मार्च हो और फैसलाबाद डिवीजन इससे बाहर रह जाए। इसलिए तोबा, चिनियोट, जंग, फैसलाबाद, ये सब करने के लिए खान साहब ने खास तौर पर मुझे भेजा है और यह पैगाम देकर भेजा है कि आज से 26 साल पहले कप्तान ने जब सियासत शुरू की उनकी पहली तकरीर सुने, वो अपनी पहली तकरीर के अंदर एक वादा करते हैं कौम से और वो कहते हैं कि मैं अपनी कौम ना मैं किसी और के सामने झुकूंगा ना मैं अपनी कौम को किसी और के सामने झुकने दूंगा। वादा पूरा किया कप्तान ने कि नहीं? कप्तान ने अपना वादा पूरा किया, तिलेरी के साथ खड़ा रहा, धमकियां आती रही, मेरे पास पैगाम आए, समझाएं कप्तान को, बुलेट प्रूफ के पीछे खड़े हो जाएं, अवाम के अंदर ना निकलें। लेकिन कप्तान अल्लाह पर यकीन रखने वाला इंसान है, कप्तान अपनी अवाम से मोहब्बत करने वाला कप्तान है। उसने कहा ना मैं अपनी कौम से दूर बैठूंगा ना अपने और उनके दरमियान कोई बुलेट प्रूफ आने दूंगा। कप्तान का पैगाम है कि आपने देख लिया मैं गोलियां खाकर भी खड़ा हूं, क्या कौम अपनी गैरत के लिए अपनी इज्जत के लिए खड़े होने के लिए तैयार है? मैं बताऊं कि आज शाम को मेरी खान साहब से बात होगी, जब मैंने उनको बताना है कि मैं तौबा किया था, आवाम निकली भी थी, जज्बा भी था, जोश भी था, सबसे ज्यादा खुश उन्होंने इस बात को सुन के होना है कि तौबे की माए बहने और बेटियां भी निकली हुई थी खान के लिए। अब मैं जरा से बात करना चाहता हूं हमारे आली मर्तब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। उस दिन कुछ सवाल मैंने आईएसपीआर से पूछे थे, जवाब तो अभी तक नहीं मिला लेकिन सवाल हम पूछते रहेंगे। आज मैं चीफ जस्टिस से सवाल पूछना चाहता हूं। चीफ जस्टिस साहब, आपको कौम ने इस मनसब पर बैठाया, आपकी इज्जत करते हैं, तकरीम करते हैं, आपने फैसला किया कि इसके बावजूद कि कौमी सलामती कमेटी कह रही है कि वाज़ह बैरूनी मुदाखलत हुई है इमरान खान के खिलाफ, साजिश के अंदर बैरूनी मुदाखलत नजर आ रही है, आपने फैसला किया कि आप उस साइफर को नहीं खोलना चाहते, आप तहकीकात नहीं करना चाहते। इमरान खान ने आपका फैसला माना और घर चला गया। आपने अपने शहर में इस्लामाबाद जहां पे सुप्रीम कोर्ट लगता है, आपने देखा कि किस तरीके से शहबाज गिल को उठाया गया, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, परना किया गया, उसके हुकूक पामाल किए गए, उसने कोर्ट के अंदर अदालत के अंदर खड़े होकर गवाही दी। चीफ जस्टिस साहब, आपने फिर भी सुनना गवारा नहीं किया। आपने देखा कि 74 साल का उम्र का आजम सवाती, वो आजम सवाती जो सिर्फ सेनेटर नहीं, वो उस कमेटी का मेंबर है जिस कमेटी से अदालत में जजों की अपॉइंटमेंट की जाती है, उसको उसकी चादर चार दीवारी पामाल की गई।
उसके घर की बेटियों के सामने उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसको उठाकर ले गए, गैर कानूनी तौर पर रखा, धरना किया, तशद्दुद किया। आजम सवाती दलेरों की तरह खड़ा हो गया और आजम सवाती ने कहा कि मेरे साथ तो ये जुल्म हुआ है, लेकिन मैं आवाज उठाऊंगा कि किसी और पाकिस्तानी पर ये जुल्म ना हो। लेकिन आजम सवाती तो खड़ा हो गया, चीफ जस्टिस साहब आपके दरवाजे फिर भी नहीं खुले। अरशद शरीफ एक दलेर सहाफी जो सच की बात कर रहा था उसको धमकियां दी गई, उसके ऊपर पर्चे कटवाए गए, उसको बोला गया कि अगर तुम बाज नहीं आओगे तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। आखिरकार अरशद शरीफ को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन आपके दरवाजे नहीं खुले अरशद शरीफ के लिए। अरशद शरीफ को किनिया के अंदर कत्ल कर दिया गया और कितने शर्म की बात है कि इतना भी ख्याल नहीं किया गया कि उसकी मां पर, उसकी बीवी पर, उसके बच्चों के ऊपर क्या गुजर चुकी है। वीडियो रिलीज किए जा रहे हैं अपने पसंदीदा एंकरों के जरिए टीवी पर चलाया जा रहा है, सारे लोग पाकिस्तान के घर बैठे हुए जिनका कोई अरशद शरीफ से ताल्लुक भी नहीं वो भी कांप उठे। लेकिन नहीं दरवाजा खुला तो चीफ जस्टिस साहब आपका दरवाजा नहीं खुला। आजम सवाती की दलेरी देखकर कमजोरी किसी की, किसी भी आदमी की क्या होती है, उसका घर होता है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं। उसकी बीवी को डराने के लिए, उसको उस पर दहशतारी करने के लिए उसको वीडियो भेजे गए। आजम सवाती ने फिर दलेरों की तरह खड़े होकर गवाही दी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब आपके दरवाजे नहीं खुले। और उसके बाद वो आदमी जो सिर्फ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी का लीडर नहीं, जो सिर्फ एक साबिका वजीर आजम नहीं, जो सिर्फ अपनी कप्तान, अपनी कौम का कप्तान नहीं, बल्कि 22 करोड़ की इस गैरतमंद कौम की उम्मीद है, उस पर कातिलाना हमला होता है, साजिश के तहत गोलियां चलाई जाती है और वो मर्द और खड़ा होकर फिर कहता है मैं सच बोलूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। चीफ जस्टिस साहब कौम आपको देख रही है, आपसे मुतालबा कर रही है। मैं इसी के ऊपर आखिरी बात करके खत्म करूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये एक सेकेंड, मैं जो मैं जज्बा यहां पर देख रहा हूं ना, मैं जो जज्बा देख रहा हूं, मैंने शाम को खान को एक पैगाम देना है, तोबे वालों की तरफ से पैगाम देना है। सुन लो मैं क्या कह सुन लो मैं तोबे वालों की तरफ से क्या पैगाम देने जा रहा हूं। तोबे वाले कह रहे ने कप्तान असी डट के खड़े ने, इन्हों दब के रखो। तो आखिर में मैं यही इस पर बात खत्म करूंगा, चीफ जस्टिस साहब तोबे वाले भी खड़े हैं, फैसलाबाद भी खड़ा है, चनियोट भी खड़ा है, जंग भी खड़ा है, सिंध भी खड़ा है, पंजाब भी खड़ा है, इमरान खान भी खड़ा है, हम भी खड़े हैं।
न पीछे हटेंगे, न रुकेंगे, न झुकेंगे। अब आपने फैसला करना है कि ये कौन और तारीख आपके बारे में क्या फैसला करती है। पाकिस्तान